एक गाय ने अजगर के बच्चे को पाल लिया। गाय छोटे अजगर का बहुत ख्याल रखा करती थी। वक्त के साथ अजगर बड़ा हो गया। हमेशा साथ रहने की वजह से गाय को अजगर से बहुत लगाव हो गया था। धीरे धीरे अजगर ने खाना पीना छोड़ दिया। गाय ने अजगर को खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, पर अजगर कुछ खाने को तैयार नहीं था। इस वजह से गाय भी उदास रहने लगी। एक दिन भालू सपेरा गाय की गुफा के पास से गुजर रहा था। गाय सपेरे को रोक कर बोली, सपेरे भाई, तुम्हें तो सांपों की अच्छी जानकारी होगी, ये अजगर कुछ खा नहीं रहा। सपेरा बोला, क्या ये तुम्हारे चारों तरफ घूमता है? गाय ने हाँ कहा। सपेरा बोला, बहन, ये तुम्हें खाने के लिए तुम्हारा शरीर नाप रहा है। ये तब तक कुछ नहीं खाएगा जब तक तुम्हें हजम करने की क्षमता इसके अंदर ना आ जाए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे अजगर हमारे आसपास घूमते रहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो फॉलो कर। अपने बच्चे के साथ बर्फीले तूफान में फंस गई थी। नंदी बोला, माँ, मुझे इस तूफान से बाहर निकालो। लाख कोशिश करने के बाद भी गाय तूफान से बचने में असमर्थ थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे तूफान की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि बेचारे दोनों माँ बेटे तेज हवाओं के साथ बहने लगे। एक झोंका नंदी को उड़ा कर ले गया। नंदी की जोरदार चीख सुन गाय जैसे ही उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करती तो हवा उसे अपनी ओर खींच लेती। इसी तरह काफी वक्त बीत गया। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से कितनी दूर थे कुछ पता नहीं। खैर, अपना कहर बरसाने के बाद तूफान शांत हो गया। गाय पागलों की तरह नंदी को खोजने लगी। काफी मशक्कत के बाद गाय को उसका बेटा मिल गया। माँ को देख नंदी उससे लिपट गया।